जिसने व्यवहारिक रूप से वहां के कामकाज को देखा है, व्यवहारिक रूप से वो साफ मना कर रहे हैं अंत में कि ये नामुमकिन है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गिमिक है? अब तो कल को कोई भी जेल में जाए, आपने अनेकों लोगों को भ्रष्टाचारी कहा था सुप्रिया जी की भी पार्टी के, कोई भी जेल जाए कोई क्यों इस्तीफा देगा? अरविंद केजरीवाल ने किया था, हम भी जेल से चलाएंगे सरकार मंत्रालय। देखिए दो तीन बातें हो गई अंजना जी। एक तो मैं सुप्रिया जी की बात का पूरा समर्थन करती हूँ कि आज जो भी विपक्ष की बुलंद आवाज है उसको मोदी जी जेल में डाल देते हैं, और अरविंद केजरीवाल जी वो नेता हैं जिससे मोदी जी सबसे ज्यादा डरते हैं। उनका कोई काट नहीं मिल रहा अरविंद केजरीवाल जी की, ईमानदारी का कोई काट नहीं मिल रहा, उनकी नीतियों का कोई काट नहीं मिल रहा उनको। दूसरी चीज, आपने अभी जिनसे मेरे से पहले बात की जो अनफॉर्चुनेटली अब शो छोड़ के जा चुके हैं, नहीं तो मैं उनसे पूछती कि क्या वो अपने करंट एम्प्लॉयर या पास्ट एम्प्लॉयर के अगेंस्ट कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल दिल्ली जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग मैनेजमेंट तिहाड़ की एलजी साहब के अधीन आती है। जैसे आप भी इस शो में आज तक के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल पाएंगी, वैसे ही वो भी एलजी साहब के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते थे। जब हमारे कानून में ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, तो बात खत्म हो जाती है, इनकी याचिका डिसमिस हो गई। और तो और आपको मैं ये आश्वस्त करती हूँ, ये पी शरत रेड्डी, शरत चंद्र रेड्डी का जो सारा खेल सामने आया है, जिसने भाजपा को 60 करोड़ दिए अपने अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बन जाता है और अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ बयान देता है, उस शरत रेड्डी का बयान सामने आने से मैं आपको आश्वस्त करती हूँ। और आज जो संजय सिंह जी का मसला हुआ है, जिस तरह से ईडी को कोर्ट में लताड़ पड़ी है, 2 साल हो गए तुमसे चवन्नी रिकवर नहीं हुई, मनी ट्रेल कहीं नहीं और तुमने हिरासत में रखा हुआ है, तो अरविंद केजरीवाल जी जल्द बाहर आएंगे, मैं आपको बता देती हूँ। और मैं आपको ये पक्का कह रही हूँ कि अरविंद केजरीवाल जैसा नेता आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा, हमारी पार्टी के नेताओं जैसे लोग, संजय सिंह जैसा नेता आपको पूरे देश में नहीं मिलेगा। जेल के अंदर रह के भी वो क्या काम कर रहे हैं, इसकी बेल होनी है, इसका बेल डिपॉजिट कर दो, 10,000 बेचारे के पास कपड़े नहीं है, कपड़े दिलवा दो, इसकी स्विंग मशीन नहीं है, इसको स्विंग मशीन दिला दो। ऐसे है हमारे नेता, अलग मिट्टी के बने हुए हैं हमारे नेता। देश को आगे लेके जाना है, सबको बेस्ट शिक्षा देनी है, सबको बेस्ट हेल्थ केयर देना है, ये हमारा विजन है। मोदी जी का विजन क्या? आपने कल निर्मला सीतारमन जी का बयान नहीं सुना? उन्होंने बार बार पूछा एक इंटरव्यूअर ने, क्या आप करप्ट लोगों को अपनी पार्टी में लेंगे? वो बार बार कहती रही सब वेलकम है, सब वेलकम है, चोर है वेलकम है, बलात्कारी है वेलकम है, उचक्का है वेलकम है, डाकू है वेलकम है। ये हालत किया है, जवाब दीजिए अजय आलोक जी, ठीक है? अजय आलोक जी जवाब देंगे वापस लाने के लिए, ठीक है? जवाब दीजिए। और वो उन्होंने 4 नाम गिना दिए हैं, वो अभी से कह रहे हैं कि आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, दुर्गेश पाठक हो, इन सब की गिरफ्तारी आप लोग जल्दी करने वाले हैं। हाँ, तो पहले अरविंद केजरीवाल भी कह रहे थे ना कि सिसोदिया को जेल भेजेंगे, सिसोदिया जेल चले गए, उसके कहे संजय सिंह को भेजेंगे, संजय सिंह चले गए, फिर अरविंद केजरीवाल बोले मुझे भेजेंगे, मैं चला गया हूँ, अरविंद केजरीवाल चले गए, अब बाकी लोग बोल रहे हैं कि अब इनको भी भेजेंगे, इनको भी भेजेंगे। ये लोग तो खुद ही जान रहे हैं कौन कौन जेल जाने वाले हैं, पता नहीं कैसे बाबा नॉस्ट्रेडमस इनके अंदर घुस गया है। बड़ा सही बात बोला था अभी प्रियंका जी ने कि जेल के अंदर ये सुविधा, ये सुविधा, ये सुविधा। ए अंजना जी, आप ही के चैनल पे चल रहा था ना वो तिहाड़ के अंदर जो मसाज पार्लर वाला सेक्शन, मंत्री कौन था, नाम भूल गया मैं, याद है प्रियंका जी? मसाज करवाते हुए, मसाज करवाते हुए, बड़ा हेल्थ केयर कर रहे थे मसाज करवा के। सच्चाई ये है कि इन लोगों के पास कुछ नहीं बचा है। और सही बात है कि अरविंद केजरीवाल जैसा कोई नेता हो ही नहीं सकता है भाई। 10 वर्ष पहले जिस लालू यादव को खुल खुल के गाली देते थे, आज पूरी लालू यादव की आत्मा अंदर में समा गई। देखिए, एकदम अर्बनाइज राबड़ी देवी को दिल्ली में उतार दिया और शहाबुद्दीन की तरह जेल से समानांतर सत्ता चलाने की व्यवस्था कर गए। तो ये तो अरविंद केजरीवाल हैं। इतना टेक्टोनिक शिफ्ट, इतना मेटामॉर्फोसिस, मेटामॉर्फोसिस जैसा शब्द शर्मा जाएगा कि इतना मेटामॉर्फोसिस कैसे हो गया कि आदमी का चरित्र इतना बदल जाए। पहले कहते थे 2 रूम के कमरे से ज्यादा क्यों चाहिए, शीश महल चाहिए। पहले कहते थे इल्जाम लगने पे इस्तीफा दे दो, यहां जेल चले गए, इस्तीफा नहीं देंगे। फुल ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, अरविंद केजरीवाल और विलोम शब्द। अब दोनों को विलोम शब्द कहने की जरूरत ही नहीं है, केजरीवाल कपटीवाल कर दीजिए, विलोम शब्द हो जाएगा। ये लोग इस देश की राजनीतिक व्यवस्था पे सबसे बड़े कलंक हैं। और सुप्रिया जी जो इतना बोल रही थी कि ईडी 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 से हैरान हो रही है, काफी लोग हैं ना बेल पे, एक्शन बहुत तेज हो रहा है, स्पीडी ट्रायल हो रहा है, और उसके बाद फिर कहीं जेल जाना पड़ गया तो सहरन होना तो मैं समझ ही सकता हूं। सवाल यह उठता है कि आप लोगों को घोटाला करने के लिए क्या मोदी जी ने बोला था? आप लोग को एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, आज रिहा नहीं होंगे आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, ये खबर आ रही है। दरअसल बेल मिलने के बाद माना जा रहा था कि आज उनकी रिहाई हो सकती है, ट्रायल कोर्ट को नहीं मिला है सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को जमानत दी है और ऐसे में अब ट्रायल कोर्ट को ये नहीं मिला है, इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। आज उनकी रिहाई नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मिलने की वजह से और सनसेट से पहले, सूर्यास्त के पहले कहा जाता है कि रिहाई इस तरह के मामलों में होती है, और चूंकि वो ऑर्डर नहीं मिला है तो अभी रिहाई आज नहीं होगी संजय सिंह की। दो लाइन में बात पूरी कीजिए जल्दी से, इसके बाद आ रही हूं। दो लाइन में बात पूरी कीजिए अजय आलोक जी, सिर्फ दो लाइन में। अरेस्ट किसको किसको आप करने वाले हैं, आप किसका नंबर आएगा? नेशनल हेराल्ड केस में हम क्यों करेंगे, अरे हम क्यों करेंगे अरेस्ट? क्या एक राजनीतिक दल अरेस्ट करता है? सरकार अरेस्ट करती है, एजेंसी अरेस्ट करती है मेरिट पे, और अरेस्ट जब करती है तो कोर्ट में प्रोड्यूस करती है, कोर्ट उसमें फिर जुडिशियल कस्टडी या एजेंसी के कस्टडी में भेजता है। संजय सिंह थे 6 महीने, ईडी के कस्टडी में भी थे, जुडिशियल कस्टडी में भी थे, और उसके बाद 6 महीने चलने के बाद लीनियंट व्यू दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी है, थोड़ी राहत मिल गई, घर से जेल से बाहर आ जाएंगे। आप सवाल है ये आपके कृत्य है ना जो सामने आ रहे हैं, दोष क्यों दे रही है? कृत्य करने के लिए हमने बोला था नेशनल हेराल्ड केस में 2012 में केस हुआ, ये सुप्रीम कोर्ट तक गए केस को क्वेश करने, क्यों नहीं केस क्या क्वेश किया सुप्रीम कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि प्राइमा फेशिया मेरिट है, 5,500 करोड़ की संपत्ति आपने ट्रस्ट के माध्यम से, अब कांग्रेस पार्टी राजनीतिक दल होकर बिजनेस करती है, किसी कंपनी को लोन देती है कि खरीद लो भाई उसको मदद करने के लिए, ये सब ओपन आ चुका है आज के तारीख में। आप सोशल मीडिया के जमाना में गूगल करके हर एक को फैक्ट्स मिल जाते हैं, तो चोरी करके इतना चिल्लाने का क्या जरूरत है? चोरी कीजिएगा तो जेल जाना पड़ेगा, जेल की रोटी खाना पड़ेगा, सुप्रिया जी ने हाथ उठाया था, करने पड़ेंगे सीबीआई से मिलना पड़ेगा, गलबैया करते रहिए आप लोग। अंजना जी देखिए, गलबैया तो मोदी जी कर रहे हैं, गलबैया तो अमित शाह जी कर रहे हैं जनार्दन रेड्डी के साथ, गलबैया तो 70,000 करोड़ का घोटाला कहकर मोदी जी कर रहे हैं अजीत पवार के साथ, तो गलबैयों की बात यहां पर मत कहिए, क्योंकि गलबैया तो आप हर उस व्यक्ति के साथ कर रहे हैं जिनको आप भ्रष्टाचारी कहते थे, अब क्योंकि वो आपके खेमे में शामिल हो गए, बीजेपी का पटका लगा लिया है, वॉशिंग मशीन में गोता लगा लिया है, तो वो भ्रष्टाचारी नहीं रहे, वो सुप्रीम संस्कारी हो गए। तो पहले तो जवाब ये दे दे मोदी जी कि क्या भ्रष्टाचार से बचने का तरीका है भाजपा की मोहर लगवा लेना, पहला सवाल ये है। दूसरा सवाल, 10 साल से सत्ता में है आप, किस एक व्यक्ति को आप कन्विक्ट कर पाए? आप नेशनल हेराल्ड करते रहते हैं, 2014 से 24 के मुहाने पर हम आ गए, चुनाव है आज, किसी को कन्विक्ट कर पाए? क्या किया आपकी एजेंसीज ने? आपकी एजेंसी ने कंसीड किया आज, आपकी एजेंसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने सिर झुकाकर माना कि उनके पास कोई साक्ष्य नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो मैंने आज तक पर पढ़ा क्लियर कहा है वहां पर कि आपके पास कोई साक्ष्य नहीं है, इसमें इनको बेल मिलेगी और 2 बजे मैं बेल दूंगा, अगर साक्ष्य लेकर आ सकते हैं तो आइएगा। ये असलियत है। और मैं एक चीज यहां पर और बोलना चाहती हूँ, ये बात बोलनी जरूरी है, ताश ने 1 मिनट अंजना जी इतना लंबा बोले थे, वो थोड़ा मुझे मोहलत, ताश के पत्तों की तरह जो मोदी जी का बनाया हुआ माया जाल है वो गिर रहा है, वो बिखर रहा है ताश के पत्तों की तरह। आज देश की जनता पूछ रही है, मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद कर दीजिए, नौकरी कहां है? मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद करिए, बताइए महंगाई कब कम होगी? मोदी जी जबानी जमा खर्च बंद कीजिए और बताइए कि आपका विदेश मंत्री कैसे कहता है कि अरुणाचल में हमारी जगहों का नाम चीन बदल दे, और हम कह रहे तो क्या फर्क पड़ता है, मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या मेरा हो जाएगा? अरे ये देश की सरजमी है जिसके लिए करोड़ों ने शहादत दी है, जिसके लिए रेगिस्तान से लेकर सियाचिन तक लोग मुस्तैदी से खड़े रहते हैं उसके उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। आप कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 4,000 वर्ग किलोमीटर की हमारी जमीन चीन के कब्जे में है, सारी कलई खोल रहे हैं लद्दाख के लोग और सोनम वांगचुक। मोदी जी और उनकी सरकार के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। सेना के मनोबल को कमजोर करने का काम लगातार विदेश मंत्री करते हैं, कभी कहते हैं हम छोटी इकोनॉमी है, वो बड़ी इकोनॉमी है, कभी नाम बदलने की बात पर कहते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है? एक और खबर आ रही है, केजरीवाल की याचिका पर ईडी ने दाखिल किया है जवाब, हाईकोर्ट में ईडी ने जवाब दाखिल किया है। नीचे एक और खबर आप देख ही रहे हैं, महुआ मोहित्रा के खिलाफ भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया गया है। इधर केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है, उस पर ईडी ने अपना जवाब दाखिल किया है। दरअसल हाईकोर्ट ने कहा था कि आप जो याचिका है जिसमें ईडी की गिरफ्तारी को केजरीवाल चैलेंज कर रहे थे, उस पर ईडी से जवाब मांगा था। हालांकि राहत नहीं दी थी अरविंद केजरीवाल को, लेकिन ईडी से जवाब मांगा था। अब ईडी ने अपनी
सफाई इस पर अपनी तरफ से जवाब दे दिया। महुआ मोहत्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है। एक लाइन में अपनी बात पूरी कीजिए सुप्रिया जी, फिर जाएंगे इसका जवाब लेने अजय आलोक जी के पास। जी हाँ बिल्कुल, चाहे वो महुआ मोहत्रा हो, चाहे वो कोई और चाहे वो मेरे नेता राहुल गांधी हो, जो जो मोदी जी की कलई खोलेगा, जो जो अडानी की बात करेगा, इनके भ्रष्टाचार की, इलेक्टोरल बॉन्ड पर हर हथकंडा अपनाने के बावजूद बच्चा बच्चा इस देश का जान गया कि कितना गोरख धंधा, कितने काले कारनामे इस सरकार के थे और क्या क्या मोदी जी ने नहीं किया उसको छुपाने के लिए। और अब कितनी बेहयाई से कह रहे हैं ये तो मैंने ही किया था। अरे सबको पता है कि ये भ्रष्टाचार आपने किया था, सब समझ चुके हैं कि चंदा दो धंधा लो और एक्सटॉर्शन रैकेट आप चला रहे थे। मैं एक बात कहना चाहती हूं अंजना जी, नैतिकता का तो ये पैमाना है कि लखीमपुर नरसंहार के मुख्य अभियुक्त का पिता इस देश का गृह राज्य मंत्री बना हुआ है, हमारी बेटियों का जिसने शोषण किया, जिसका चार्जशीट में नाम है, वो आज भी सांसद है, आज भी गोदी में बैठता है बीजेपी की। तो यहाँ पर नैतिकता के सवाल पर बीजेपी क्या बोल सकती है? ठीक है, अब जवाब सुनो। मुझे लगता है जवाब सुनो अजय जी, आप जवाब दीजिए, अब दोनों के ही आरोपों का आप जवाब दीजिए। सिलसिलेवार ढंग से सबकी बात हुई और महुआ मोहत्रा पर भी अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज हो गया है, क्या माना जाए? आने वाले वक्त में ईडी की कार्रवाई यहाँ पर भी गिरफ्तारी तक पहुंच सकती है। बहरहाल आपको बता दें मनी लॉन्ड्रिंग का केस महुआ मोहत्रा पर भी सीबीआई की एफआईआर के आधार पर यह केस दर्ज किया गया है। अजय आलोक जी जवाब दीजिए, विपक्ष के नेताओं को आप टारगेट कर रहे हैं, ये उनका आरोप है, तो गलत क्या? अरे हम क्यों टारगेट करेंगे विपक्ष के नेता को? हम एक मिनट में, आपको याद होगा अंजना जी, जब हम विपक्ष में थे हमारे कहने पे यूपीए कोई भी मामला दर्ज नहीं करती थी, किसी पे इंक्वायरी नहीं करवाती थी, हम कोर्ट में जाते थे, एविडेंस देते थे और उसके बाद कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी हो जाती थी जिसमें ये लोग फंसे। आज मैं कहता हूं कि जितनी इलेक्टोरल बॉन्ड्स में दिक्कत है, मैडम एविडेंस कलेक्ट कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, पिटीशन दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर इंक्वायरी करो, अगर आप में हिम्मत है तो। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, मुझे ज्ञान देने बैठी है यहाँ पे? आप ये बताइए जरा, कह रही है बार बार वॉशिंग मशीन, तो जितने लोग हमारे यहाँ क्या क्या वो आपके गंदगी की गठरी थी क्या कि हमारे वॉशिंग मशीन में आगे क्लीन हो गए? मानती हैं आपकी गंदगी की गठरी को ढो रही थी इतने दिन से? इसीलिए तर्क वही दिया कीजिए जो गले से उतरे, सिंपल बात है। आप पे चार्जेस हैं, ऑनेस आप पे है, इस देश के कानून के तहत, एक मिनट, आप गंदगी की ढकरी तो आप गंदगी की गठरी आप ढो रही थी ना, मान लिया ना, गंदगी की गठरी हम जवाब देने का मौका दीजिए, हमने थोड़ी ना मना किया है। शाउटिंग नहीं, शाउटिंग इसे बौखलाहट है अंजना जी, इसे बौखलाहट है, असिरहन है, सिरहन कि मोदी जब भी बोलते हैं ना कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा मेरे तीसरे टर्म में, ये मेरी गारंटी है, तो इनके पूरे रीढ़ की हड्डी में एक सिरहन दौड़ जाती है कि किसी तरह से रोको नहीं तो क्या होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, जेल फेल कुछ नहीं, ये होना ही है। जेल से ज्यादा इनको चिंता है जो संपत्ति जब्त हुई है, 1,85,000 करोड़ ईडी जब्त कर चुका है। मैडम कहां से आए हैं ये, किसका पैसा था ये? ये देश का ही पैसा था ना, जो देश का लूटा हुआ पैसा वापस ले रहे हैं और सबसे लेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाले। 5,500 करोड़ की नेशनल हेराल्ड की आपने सारी संपत्ति जब्त कर ली, राहुल गांधी अपने नाम पे करवा के बैठे हुए हैं, वहां क्या कर रहे थे? कीर्तन करने जाएंगे? यही बगल तो में आईटीओ पे बिल्डिंग तो कोर्ट को में किराया देके चढ़ा रहे हैं, किराया खा रहे हैं उसका। अरे जज साहब थोड़ी हम लोग बैठे हैं, कोर्ट को ही बिल्कुल कन्विक्शन करना है, और कोर्ट कुछ तो हुआ नहीं है कब से, मामला लंबे था, आप ही बताइए। एक मिनट, तो हम लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? हम लोग तो यहाँ पे बैठे हैं परसेप्शन बनाने के लिए। वो अपनी बात कह रही है, मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैं तथ्यों के आधार पे कह रहा हूँ, वो भाषण दे रही है, दोनों बैठे, दोनों महिलाएं भाषण दे रही है, मैं तथ्यों के आधार पे। सुप्रिया जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा था, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने तथ्यों के आधार पे ही केस किया था। अब आप दो लाइन में अपनी बात कह दीजिए, इसके बाद प्रियंका जी आ रही हो प्लीज। देखिए इन्होंने सच बोल दिया, इन्होंने एक ही सच बोला पूरे शो में कि हम यहाँ परसेप्शन बनाने बैठे हैं, ये परसेप्शन बनाने बैठे हैं, हम सच बोलने बैठे हैं। और सच ये है कि नरेंद्र मोदी जी सबसे बड़ी वॉशिंग मशीन दुनिया की खरीद कर ले आए हैं, जिसमें भ्रष्टाचारी आएगा और साफ सुथरा होकर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके पटका पहन लेगा। इनका ऑडियो बंद कर दीजिए, अगर मेरा बंद किया था तो इनका भी बंद कर दीजिए, क्योंकि ये सिर्फ जबानी जमा है, उनका भी बंद है, मोदी जी की तरह यहाँ बंद है, पूरा कीजिए जल्दी, हुए बंद है, सिर्फ जबानी जमा खर्च करने के लिए बैठे हैं ये। असलियत ये है कि यहाँ पर सबको पता है कि ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इनके फ्रंटल बन चुके हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड की कलई। प्रियंका जी सिर्फ एक लाइन में आपको अपनी बात कहनी होगी, वक्त खत्म हो चुका है। प्रियंका जी
देखिए बार बार आलोक जी ने पूरा भाजपा ही होने का फर्ज निभाया और झूठ पेश किया, कह रहे थे कि मैं कल तक कह रही थी कि पीएमएलए कानून के तहत बेल नहीं होती, मैंने कहा था पीएमएलए कानून के तहत बेल नहीं होती जब तक इनकी ईडी आपत्ति ना करे बेल पे, और आज वही हुआ, बोला गया या तो बता या तो आपत्ति ना करो या फिर हम बता देंगे कि 45 का ऑफेंस नहीं बनता।